खोआ बना रहे हैं, खोआ के गुलाब जामुन बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 किलो दूध लिया है, फुल क्रीम। इसे हम चढ़ा देंगे गैस पर और धीरे धीरे इसे उबलने देंगे। ये हमने गैस पर चढ़ा दिया। देखिए दोस्तों, मैं दूध में उबाल आ गया। उसे ऐसे चलाते रहेंगे साइड से भी, ऐसे साइड से भी उसे चलाते रहेंगे और ऐसे चलाते ही रहना है। उसे तैयार होने वाला है, ये देखिए। इसे चलाते रहिए तो ये चिपकेगा नहीं। बस हमारा खोआ बिल्कुल तैयार होने वाला है। 1 किलो दूध का है ये, इतना हुआ है 1 किलो दूध का। बस तैयार होने वाला है, ऐसे चलाते रहिए, थोड़े 1-2 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। रेडी हो गया है, अब इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए ठंडा हो जाएगा तो इसके हम गुलाब जामुन बनाएंगे। बिल्कुल तैयार है, देखिए कैसे, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कैसा रंग आ गया है खोवे का। अब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका हम गुलाब जामुन बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने लिए 1 कटोरी चीनी ली है। इसी कटोरी से हम 1.5 कटोरी पानी डालेंगे और इसे ऐसे चलाते रहेंगे। और ये हमारा जब इसमें हम 2 चम्मच अब दूध डाल देंगे आ जाएगा। इसे हम छन्नी से निकाल लेंगे और ये हमारी चाशनी बिल्कुल साफ हो जाएगी। देखिए वो सब ऊपर आ रहा है। ये सारा हमारा ये आ गया है, जितना भी चीनी का गंध था। इसे हम छन्नी से ऐसे छान देंगे। ये देखिए हमारा ये एक तार का नहीं करना है। ये हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम 3-4 छोटी इलायची डाल देंगे जिससे खुशबू अच्छी आती है। अब चलते हैं, हम अपने गुलाब जामुन बना लेते हैं। देखिए हमारा खोआ ठंडा हो चुका है और इसे देखिए ऐसा हो गया। इसमें हम 2 चम्मच मैदा डाल लेंगे। 2 चम्मच मैदा डाल लेंगे और इसे मिला लेंगे ढंग से, इसे बिल्कुल हथेली से इसे अच्छी तरीके से इसे मिला के गूंद के इसका आटे की तरह इसको लगा कर लगा लेंगे। देखिए हमने ऐसे लगा लिया है और इसे हथेली से ऐसे खूब मसल दीजिए। ऐसे डो बिल्कुल तैयार हो गया है, ऐसे हो गया है। अब इसकी हम छोटी छोटी सी लोई बना लेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी सी ऐसे छोटे छोटे बना लेंगे। ऐसे हल्के हाथों से इसे ऐसे कर लेंगे, छोटे छोटे करेंगे कि तेल में जाके खुद ही बड़े बड़े हो जाएंगे। 30-35 हमारे रसगुल्ले बन जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे से सारी हम ऐसे ऐसे लोई बना लेंगे। देखिए हमने सारी लोई बना ली है, अब इसे हम तल लेंगे। जला लिए और कढ़ाई रख दी, इसमें तेल डाल दिया है और तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और फिर इसमें ये देखिए ऐसे हम ऐसे अपने डाल देंगे।
आँच पे हमें सेकना है। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आता जा रहा है। और ये सुनहरे कलर के हो जाएंगे जब इन्हें हम निकालेंगे। देखिए ये आ गया कलर इसका, अब इसे हम निकाल लेंगे। ये कितना प्यारा कलर आया इसका। ऐसे ही हम सारे सेक लेंगे, ऐसे ही सारे हम धीमी आंच पे सेक लेंगे। ऐसे सारे सेक लेंगे। ये हमारा हो गया, इसे हम ऐसे ही निकाल लेंगे। ये हमारे सारे सिक गए हैं। अब इसे हम चाशनी में डाल लेंगे। चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए। इसे हम चाशनी में धीरे धीरे छोड़ देंगे। ये भी गर्म होनी चाहिए। आधे घंटे बाद ये हमारे रसगुल्ले आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। हमारे रसगुल्ले बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। ये देखिए कितने सॉफ्ट है, ये देखिए कितने सॉफ्ट है हमारे रसगुल्ले, बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।